नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जून रविवार सुबह 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पुलिस कर्मी की सतर्कता से एक महिला की जान बच गई। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला किशोर सागर तालाब में कूद गई। महिला को डूबता देख पास खड़े ASI नारायण लाल ने जान की बाजी लगाकर तालाब में छलांग लगाई और महिला को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुँचाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बिहार के सहरसा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 5 बच्चे एक पानी के गड्ढे में डूबने से मर गए। सभी बच्चों की उम्र से 8 से 12 साल के बीच में बताई जा रही है। ये घटना सहरसा बस्ती वार्ड नंबर 39 की है, जहां पर ईंट भट्टा चिमनी के लिए गड्ढा खोदा गया था, लेकिन जब बारिश की वजह से उस गड्ढे में पानी भर गया तो कुछ बच्चे वहां नहाने के लिए चले गए और वे उसमें डूब गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अभी के लिए इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिवार सिर्फ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अपने बच्चों को खोने का दर्द परिजनों के चेहरे पर साफ महसूस किया जा सकता है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बाड़मेर जिले की RGT थाना पुलिस ने हत्या के शक पर 23 दिन बाद युवक का शव कब्रिस्तान से निकाला है। पुलिस ने बताया कि गोरा मनियों की ढाणी में युवक ने आत्महत्या की थी। इस पर परिजनों को शक हुआ कि युवक ने आत्महत्या नहीं की है। परिजनों ने RGT थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रशासन ने हत्या के शक में शव को बाहर निकाला और मेडिकल टीम के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जयपुर जिले के चोमू थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिछले 2 साल से नाबालिग को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था और शादी का दबाव बना रहा था। 5 जून को पीड़िता ने आरोपी आशीष डबरिया के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर जिले के चोमू में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में एक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कर्मचारी ने सरकार क्वार्टर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान संजीव चौधरी निवासी चिड़ावा के रूप में हुई है। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के घरसाना थाना क्षेत्र में वीकेंड कर्फ्यू में अजीब वाकया सामने आया है, जहां एक बच्ची रोती रही तो मां खरीदारी में व्यस्त रही। मिली जानकारी के अनुसार मां ने 4 साल की बच्ची को दुकान के बाहर छोड़ दिया और दुकान में खरीदारी में जुटी रही। दुकानदार सेंटर बंद कर अंदर दुकानदारी चला रहा था। बच्ची बदहवास रोती हुई हालात में मिली। तहसीलदार और पुलिस ने बच्ची को पानी पिलाया और दुकान को सीज कर 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया। भीलवाड़ा जिले के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के सांगानेर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शराबी पिता ने 15 साल की अपनी बेटी को खौलता हुआ पानी डाल दिया। इससे बालिका की पीठ बुरी तरह झुलस गई। शराबी व्यक्ति अपनी पत्नी से मारपीट कर रहा था। इसी दौरान बेटी बीच बचाव में आ गई थी। गंभीर झुलसी हालत में बालक को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के पुरानी आबादी थाना क्षेत्र में एक युवती अमनदीप कौर की बर्फ तोड़ने वाले सुए को पेट में गोदकर हत्या कर दिए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश कुमार उर्फ कुलदीप उर्फ लंगड़ा निवासी गांव काकरकुई जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि मृतका के पिता अतर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि अमनदीप कौर के किसी ने सुए से वार कर हत्या कर दी है। मौके से मोहल्ला वासियों ने आरोपी दिनेश को भागते देखा था। पुलिस ने आरोपी की तलाश में दबिश देते हुए शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.